आइस उमर निकालना स्टार्ट कर दिया था, कहाँ तक आ गया था तुम लोगों को? और एक दो क्वेश्चन और करना चाहोगे? तुम लोगों ने घर जाके निकाला? खुद से घर जाके निकाला? नहीं निकाल पाए होंगे, पक्का निकाल लिया? चलो एक क्वेश्चन करते, पहले देखो क्वेश्चन। हाँ रिंग वाले, अभी बता रहा हूँ मैं, 2 मिनट के अंदर समझ में आ जाएंगे, 2 मिनट के अंदर रिंग वाले जी, ज़्यादा सबसे इजी वही है, रिंग वाले सबसे ज़्यादा एडवांस लेवल पे बता दूंगा, बस खत्म। अब तुम लोग रिलैक्स रहो, तुम लोग स्कूल आते हो तुम्हें फ़ायदा मिलेगा। बताओ अब इसका कितना होगा? सबसे पहले क्या करेंगे, सामने देखो, सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, बोलो सबसे पहले क्या करेंगे? जी आई, कितने जी आई होंगे इसमें? इसमें कितने जी आई होंगे? 3 GI होंगे पक्का। कितने जी आई होंगे इसमें? 3। कौन कौन से? ये वाला सेंटर, ये वाला सेंटर, ये वाला सेंटर, 3 GI होंगे। अब यहाँ पर आपके कितने जी आई है बेटा? 3 GI है। जब यहाँ पर अगर आपके 3 GI होंगे तो 3 GI से कैसे निकालोगे बताओ? 3 GI से कैसे निकालोगे बताओ? कॉम्बिनेशन बनाओ, सेस सेस सेस, ठीक है। एक क्या होगा बेटा? सेस, बोलो कितने जी आई होंगे? जी आई आपके कितने होंगे बेटा? जी आई आपके जितने भी होंगे मैं उसका कॉम्बिनेशन लिख देता हूँ। सिस सिस हो जाएगा, एक बार क्या हो जाएगा? सेस सेस ट्रांस, और एक बार क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी बोलो, सेस ट्रांस सेस, एक बार क्या हो जाएगा? ट्रांस सेस सेस, एक बार क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी बोलो, सेस ट्रांस ट्रांस। घर जाके जिसने किया होगा ना रिपीट मेरा तरीका, वो उसको आ गया होगा अब कैसे सोच रहा हूँ मैं। सेस ट्रांस ट्रांस, उसके बाद क्या आ जाएगा बेटा, जल्दी बोलो, ट्रांस सेस ट्रांस, उसके बाद ट्रांस ट्रांस सेस, उसके बाद ट्रांस ट्रांस ट्रांस, टी टी टी। ये 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे जी आई के, हर कॉम्बिनेशन में 2 बनेंगे, एक आर बनेगा एक एस बनेगा। तो यहाँ पर कितने बनेंगे? 2। 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 तो टोटल कितने हो गए? 16। और टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर फॉर अनसिमेट्रिकल 2n, तो 2n कितना आ गया? 16। दोनों मेथड आ गए तुम्हें? दोनों मेथड आ गए? दोनों मेथड की प्रैक्टिस की थी कि एक ही मेथड का क्या था प्रैक्टिस? दोनों का क्या था? अब देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन समझ लेते हैं हम प्रैक्टिस के लिए, फिर मैं साइक्लिक वाला बता रहा हूँ अभी। CH2 सिंगल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, CHOH, CH डबल बॉन्ड CH, CH3। आप बताओ इसमें कितने होंगे जी आई? कितने जी आई होंगे? जी आई कितने सेंटर होंगे? जी आई के कितने सेंटर होंगे? 3। 3 किसको दिख रहे? मुझे 3 दिख रहे। सो हम कितने दिख रहे तुमको? सो हम कितने दिख रहे तुमको? 2 दिख रहे, मुझे 3 दिख रहे। हाँ यहाँ ये वाला नहीं होगा, 2 ही होंगे, ठीक है। समझ में आया तुम लोगों को? कितने होंगे? 2 होंगे। अब देखो अनसिमेट्रिकल है कि सिमेट्रिकल है? अनसिमेट्रिकल ही हुआ, ऑब्वियसली बात है। अब इसमें कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? या तो आपका क्या हो जाए, GI बोलो सबसे पहले, कि कौन कौन से बनेंगे? सिस सिस हो जाए, या तो क्या हो जाए, सिस ट्रांस हो जाए, या तो क्या हो जाए, ट्रांस सिस हो जाए, या तो क्या हो जाए, ट्रांस ट्रांस हो जाए। और एक ऑप्टिकल आइसोमर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? सिस आर सी हो जाए, या फिर सिस एस सी हो जाए, या फिर क्या हो जाए, सिस आर टी हो जाए, या फिर सिस एस टी हो जाए, या फिर सी एस टी। अच्छा सी एस टी, यहाँ पर क्या हो जाए बेटा जी, जल्दी बोलो, टी आर सी हो जाए, या फिर टी एस सी हो जाए, या फिर टी आर टी हो जाए, या फिर टी एस टी हो जाए। कितने हो गए टोटल? 8 अनसिमेट्रिकल 2n3। अब समझ में आ रहा है कैसे कर रहे क्वेश्चन? घर जाके कल वाला 32 वाला कर लिया था, रिपीट हुआ? टाइम लगा होगा तुम लोगों को, थोड़ा सा रिवीजन में टाइम लगा?
रिवीजन में टाइम लगा? नहीं किया ना जिनमें तुमने नहीं किया, तो आंसर बता देते तुम लोग। तुम्हें वो एनालिसिस करना भी आना चाहिए बेटा। ऐसा नहीं है कि आप लोगों से ये नहीं पूछेगा, आप लोगों से पूछेगा मुझे ऐसा कॉम्बिनेशन बताओ जिसमें तीनों डिफर है। ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन होंगे जिसमें तीनों आपके डिफर होंगे? समझ में आया? ऐसे कॉम्बिनेशन के स्ट्रक्चर भी आपसे बनवा लेंगे, फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? समझ में आ रहा है तुम लोग? तो एडवांस लेवल का पढ़ने के लिए हमको एडवांस सोच भी रखनी पड़ेगी ना बेटा। हम लोग अगर फॉर्मूला वाला सोच रखेंगे तो हो गया, ठीक है? तो 2n तो लगा ही सकते हो तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो, अब हम साइक्लिक कंपाउंड में निकाल लेते हैं। किस में निकाल लेते हैं? साइक्लिक कंपाउंड में। तो साइक्लिक मॉलिक्यूल में ये क्वेश्चन सबका पहला क्वेश्चन होता है। बताओ इसमें कितने, इसमें क्या जीआई होगा? क्या इसमें जीआई होगा? जीआई होगा, सोचो। जीआई मैंने बताया था क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या क्या है। रोटेशन हिंडर्ड है, सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर बीआर और सीएच है, यहाँ पर कौन कौन सा है? डबल बॉन्ड ओ है ना, एच तो नहीं है ना, तो यहाँ पर तो पता ही नहीं पड़ेगा। यहाँ पर तो एक ही है। यहाँ पर क्या है? एच और एच। यहाँ पर एच और एच। यहाँ पर एच और एच। यहाँ पर एच और एच। क्या ये जीआई दिखाएगा? ये आपका जीआई नहीं दिखाएगा। अब यहाँ पर क्या है बेटा, केवल और केवल जल्दी बोलो, कायरल सेंटर है। अब कायरल सेंटर होगा तो क्या होगा, जल्दी बोलो, कायरल सेंटर होगा तो क्या होगा? हाँ, या तो ये R होगा या तो ये S होगा। GI कितना होगा बेटा इसमें? जीरो। ऑप्टिकल आइसोमर कितना होगा? या तो R होगा या तो S होगा। तो टोटल SI कितना हो गया बेटा, बोलो? दो हो गया ना, स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो, अब देखो तुम लोग है ना, स्टीरियो आइसोमर तुम अगर है ना ऑप्टिकल आइसोमर निकाल रहे थे इसके अंदर, इसके अंदर क्या निकाल रहे थे? ऑप्टिकल आइसोमर। देखो उसमें खुद ब खुद ज्योमेट्रिकल कंबाइन हो गया होगा, खुद ब खुद ज्योमेट्रिकल कंबाइन हो गया ना। पहले हमने ज्योमेट्रिकल निकाला, उसके बाद मैंने ऑप्टिकल निकाला। बात क्लियर है? तो उसमें अपने आप ऑप्टिकल सुनना, अगर मैं डायरेक्टली ऑप्टिकल निकालता तो मैं क्या देखता? आर ओ एस, तो मेरा गलत होता। मैंने क्या लिखा लाइन आपको लिखाया था कल? ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैन अफेक्टेड ऑप्टिकल आइसोमर, बट ऑप्टिकल आइसोमर कैन नॉट बी अफेक्टेड हो, ठीक है? तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर की वजह से नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर आपके बदल जाएंगे, लेकिन ऑप्टिकल आइसोमर की वजह से नहीं बदलेंगे। देखो अब ये वाला समझ में आया? चलो देखो, एक दो क्वेश्चन अभी तुम्हें धीरे धीरे स्टार्टअप आएगा ना, तुम्हें तब समझ में आएगा, चिंता मत करो इसका। साइक्लिक वाला अभी तुम्हें समझ में आने लग जाएगा। क्या ये जीआई शो करेगा? याद करो, जीआई बोला है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, नॉट पीओएस। पीओएस बात की बात है। जीआई शो करेगा, देखो ना, यहां पर CH3, यहां पर H, यहां पर CH3, यहां पर H। रोटेशन हिंडर्ड हो गया, रोटेशन हिंडर्ड साइक्लिक कंपाउंड। मैंने जीआई वाले 71 क्वेश्चन कराए थे, उसमें से एक क्वेश्चन ये भी था, ठीक है? उसके अलावा कोई एग्जांपल नहीं बनेंगे बेटा, ठीक है? ये आपका हो गया, रोटेशन हिंडर्ड है, साइक्लिक है, साइक्लिक का रोटेशन हिंडर्ड होता है, ठीक है ना? और यहाँ पर CH3H है, यहाँ पर CH3H है। बात समझ में आया? अब GI होगा तो इसका क्या क्या होगा? या तो सीस होगा या तो ट्रांस होगा। ये बात तुम लोगों को कन्फर्म है? अब इसका सीस निकाल लो, या तो सीस होगा तो क्या होगा, दोनों ऊपर होंगे। क्या मैंने सही बनाया स्ट्रक्चर? चेक कर लो। यहाँ पर एक कार्बन को छोड़ दो, CH3 है ना, क्या स्ट्रक्चर सेम है? एक कार्बन को छोड़ के ही आपका CH3 है, तो यहाँ पर H है। चलो यहाँ पर H है, नॉट आपका CH3 नहीं है, बन गया। अब बताओ कौन सा सिस है, कौन सा ट्रांस है? ये वाला सिस है, ये वाला आपका ट्रांस है। अब देखो सिस के अंदर आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रहा है, सिस के अंदर आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रहा है,
क्या ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा? नहीं होगा ना। ऑप्टिकली क्या होगा? इनएक्टिव होगा। मीजो होगा या फिर मीजो होगा, मीजोमर होगा या फिर मीजोमर नहीं होगा? मीजोमर होगा ना बेटा, थोड़ा सोच के देखो, थोड़ा सोच के देखो। प्लेन ऑफ सिमेट्री है, आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव है, मतलब इसका इसका क्या ऑप्टिकल आइसोमर बनेगा? नहीं बनेगा। तो इसका टोटल कितना हुआ बेटा? ये एक अकेला, इसका दो दूसरा भाई नहीं बनेगा, ठीक है? तो यहाँ पर कितना आएगा? एक। अब क्या ये आपका यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है? यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है? नहीं है ना। जब यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर कितने बनेंगे? दो बनेंगे, इसका एक ऑप्टिकल। तो टोटल कितने हो गए? ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव है, टोटल कितने हुए बेटा इसके? तीन। तो GI कितना आया बेटा इसका? दो। OI कितना आया? तीन। और स्टीरियो आइसोमर भी कितना होगा? तीन। क्यों होगा तीन सोचो? क्योंकि OI में, ऑप्टिकल आइसोमर में तो ज्योमेट्रिकल तो कंसिडर ही करते हैं ना हम हमेशा। ऑप्टिकल आइसोमर एक्चुअली आपका क्या होता है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर हम उसको कंसिडर करके चलते हैं। देखो स्टीरियो आइसोमर क्या होता है? ऑप्टिकल आइसोमर प्लस ज्योमेट्रिकल आइसोमर। और जनरली हम जब भी ऑप्टिकल आइसोमर निकाल रहे हैं तो उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर को कंसिडर करके चल रहे हैं ना। तो मतलब जो ऑप्टिकल आइसोमर का नंबर होगा वही आपका स्टीरियो आइसोमर का नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसमें सीसो ट्रांस तो मैंने बता ही दिया ना। समझ में आया बेटा? ये एक बार ट्राई करो। क्या करना है? मॉलिक्यूल को बिखेर देना है, ठीक है? अब यहाँ पर लगा दो फॉर्मूला सिमेट्रिकल का, अनसिमेट्रिकल का। लगाओ, सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है? सिमेट्रिकल है ना। बहुत मतलब आपको पता नहीं पड़ेगा इसमें, थोड़ा सा ये वाला थोड़ा सा कॉम्बिनेशन समझो बेटा। साइक्लिक का थोड़ा अलग तरीका है, उसको थोड़ा समझ लो, अपने आप समझ में आ जाएगा। एक और कंपाउंड बनाता हूँ मैं, ताकि तुम्हें बहुत और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है ना? डोंट वरी, रिलैक्स रहो, रिलैक्स, ठीक है? आपका फर्स्ट, थर्ड, तुमने अगर GI जितना स्ट्रॉन्ग किया होगा ना, उतना आपका OI स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, OI उतना स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। अब बताओ क्या क्या होगा? सबसे पहले क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? क्या ये GI शो करेगा? बोलो, हाँ या ना? इसकी तरह है इसलिए नहीं। आप देखो क्या है, रोटेशन हिंडर्ड है। रोटेशन हिंडर्ड होने के बाद दोनों पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रहनी चाहिए बेटा? आपके सेम रहनी चाहिए। दोनों पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रहनी चाहिए आपकी? सेम। बात क्लियर है? उसके बाद क्या रहना चाहिए बोलो? हाँ, सेम, प्लेन भी सेम रहने चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफर करनी चाहिए और आपका प्लेन सेम रहना चाहिए। दो देखो इसका क्या बनेगा? दो बनेगा। कौन कौन सा बनेगा बोलो? अब बोलो ना। हाँ, GI बनेगा। अब इसका क्या बनेगा? एक बनेगा सेस और एक कार्बन छोड़ के ना, एक बनेगा ऐसा और एक बनेगा ऐसा। अब बताओ जल्दी से कितना बनेगा? एक मैंने बना दिया सिस, एक मैंने बना दिया ट्रांस। क्या अब बताओ प्लेन ऑफ सिमेट्री है? प्लेन ऑफ सिमेट्री खींचो। क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? नहीं है ना। तो इसका मतलब ऑप्टिकल आइसोमर होगा। इसका कितना बनेगा? इसका कितना बनेगा? टोटल GI कितना आया? दो आए ना GI, और OI कितना है? चार। स्टीरियो आइसोमर कितने होंगे? अब समझ में आया? नहीं आया तुम लोगों को। फोर्थ क्वेश्चन देखे आप, फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, अब तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन है, अब इसमें आपको पता लगाना है। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा आसान सा। क्या दिमाग लगाओगे? सबसे पहले चेक करोगे GI कहाँ है। GI निकालो। GI होगा, GI कौन कौन से सेंटर के अराउंड होगा? यहाँ पर तो HH है, ये ऑन बोर्ड है, SP3 है, ये क्या होगा आगे पीछे, ये क्या होगा ऑन बोर्ड, और ये क्या होगा आगे पीछे, लेकिन यहाँ पर तो HH है। तो क्या ये और ये वाला सेंटर GI शो कर सकता है? सोचो थोड़ा,
यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है ऑन बोर्ड, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बोर्ड, या यहाँ क्या होगा साइकिल का होगा आगे पीछे, और ये वाली लाइन कहाँ होगी, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफर है ना, यहाँ से कौन सा जुड़ा हुआ है ये वाला ग्रुप, और यहाँ पर कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है आपका H, यहाँ पर H और यहाँ पर कौन जुड़ा हुआ है OH, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है बेटा डिफर है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शुड बी डिफर, और सेकंड थिंग क्या है बेटा प्लेन शुड बी सेम, तो मतलब GI शो कर रहा है, GI कहाँ से कहाँ शो कर रहा है, GI एक तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक GI शो कर रहा है आपका, कर रहा है। अब देखो क्या क्या इस पॉइंट से इस पॉइंट पर शो करेगा GI, क्यों नहीं करेगा इस पॉइंट से, क्या या इस पॉइंट के बीच रिलेशनशिप है CH2 आ रहा है, मतलब सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो यहाँ GI शो नहीं करेगा आपका, बात क्लियर है, GI शो कर रहा है यहाँ पर। अब देखो अब इसमें कैसे अप्रोच लगाओगे, थोड़ा सा दिमाग घुमाते हैं, दिमाग थोड़ा लगाते हैं हम लोग, इसको मैं लिख सकता हूँ C6H11, लिख सकता हूँ, तो इसको मैंने थोड़ी देर के लिए कैसे लिख दिया बेटा, कन्वर्ट कर दिया इसको मैंने, मेरे काम को हल्का करने के लिए मैंने कन्वर्ट किया, C6H11 लिख दिया, और यहाँ पर क्या लिख दिया OH लिख दिया, ठीक है। अब इसके दो फॉर्म बनेंगे, एक कौन सा बनेगा सिस और एक कौन सा बनेगा आपका ट्रांस, बना दो दोनों फॉर्म बना दूँ मैं, अब देखो दोनों फॉर्म में बना देता हूँ, एक सिस बना C6H11 और एक क्या बनेगा, एक आपका कौन सा होगा बेटा आपका C6H11, ये आपका कौन सा फॉर्म बना, ये आपका बना सिस, ये आपका कौन सा फॉर्म बना ट्रांस, अब क्या बताओ प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, किसको नहीं दिख रही है, मुझे दिख रही है, अरे बेटा ऐसे काटो ना, ये साइक्लिक ऐसा है, इसको ऐसे काट दो तो OH भी चला जाएगा, नहीं आया समझ में, मैंने बताया था ना ये आपका कॉपी है, ये आपका CH3 है, कैप का मतलब आपका क्या है CH3, अगर मैंने ऐसे भी रखा तो मैंने कैसे काट रहा हूँ, अगर मैं डायगोनली काट दूंगा तो मॉलिक्यूल तो चले जाएंगे ना प्लेन के अंदर ही, गायब हो जाएंगे प्लेन के साथ, तो क्या ये सिमेट्रिकल हो जाएगा, तो ये आपका सिमेट्रिकल है POS, यहां पर भी POS होगा ऐसा, यू काट दिया मॉलिक्यूल गया तो वो यहां पर भी POS होगा, यहां पर भी POS होगा, क्या दोनों ऑप्टिकल एक्टिव है, नहीं है, टोटल कितने बनेंगे GI कितने बनेंगे, दो OI, दो क्यों, एक एक ही, ये आपका OI ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे ना, तो ये ऑप्टिकल आइसोमर शो ही नहीं करेंगे, तो डायरेक्टली यहाँ पर स्टीरियो आइसोमर क्या लिख देंगे बेटा, यहाँ पर दो, अब समझ में आ गया, यहाँ पर केवल और केवल स्टीरियो आइसोमर किस वजह से आया बेटा, ज्योमेट्रिकल की वजह से, समझ में आ गया, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, समझ में आया क्लियर हुआ, एक और क्वेश्चन देख लेते बेटा जल्दी से, लिखा था तुमने ये वाला, अरे बेटा पहले बोलते ना, ये वाला पार्ट नहीं लिखा तुमने, पहला क्वेश्चन लिख लिया था, हाँ लिखो तब तक, तो दो मिनट लिखो तब तक, दो CH3 है ठीक है ना, एक कार्बन छोड़ के, अब तुम्हें आया बेटा, इतने क्वेश्चन कराने के बाद तो आने चाहिए थे, मैंने तुमको पहले ही बोला था बेटा POS COS स्ट्रॉन्ग कर लो, बड़े से बड़े क्वेश्चन हो जाएंगे, जिसने नहीं पढ़ा है POS COS वो तो गया, वो तो काम से गया, गया कि नहीं गया है आहिल, बेटा तुम्हें अगर मेरी तरह विजुलाइज करना है ना, तो मैं जो तरीका बता रहा हूँ उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, तब आपको ऐसा लगेगा कि है ना तुमको क्या, मुझे अभी तक मैंने पढ़ाया है क्या, मुझे फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट पढ़ रही है, नहीं पढ़ रही है ना, क्यों नहीं पढ़ रही है, क्योंकि मुझे सारे पता है कि कंडीशन कौन कौन से हो सकते हैं, तो एक दो बार अगर आप लोग करोगे ना, मुझे कब आया, मुझे पहले नहीं आता था, जब मैं पहले पढ़ाता था तो फॉर्मूले से पढ़ाता था, लेकिन फिर मैंने धीरे 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 करके कंडीशन निकाल दिए सारे, फिर कंडीशन निकालते निकालते मुझे आ गया, तो एक दो बार अगर तुम है ना, वो बोल रहा हूँ मैं
एक बार तो अभी पढ़ो कंडीशन निकाल के, एक बार फिर कभी और रिपीट करोगे ना, और मैं एक चीज बता रहा हूँ, एक दूसरे को कंडीशन समझाओ तो ज़्यादा अच्छे से आ जाएगा तुमको। कोई सा भी मॉलिक्यूल का तुम है ना पोस्टमार्टम कर दोगे। हम कर क्या रहे हैं, मॉलिक्यूल का पोस्टमार्टम ही कर रहे हैं, कभी ऐसा कभी ऐसा कभी ऐसा होगा कभी ऐसा होगा, प्रोबेबिलिटी बना रहे हैं ना, बना रहे कि नहीं बना रहे। फिर इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आइसोमर, अगर तुम्हें लग रहा है ना कि आइसोमर कोई और है, तो मैंने वो ऑनलाइन लेक्चर भी देख लेना, वहाँ पर 2 की पावर n - 1 प्लस 2 की पावर, देखना देखना एक बार, खुला बोलता हूँ मैं ये चीज़। वो ऐसे एक एक मॉलिक्यूल नहीं बनाएंगे, साइक्लिक में भले चाहे बना देंगे, लेकिन जो चेन वाले होते हैं ना, चेन वाले में उनको नहीं होगा। हो गया ये वाला लिखा बेटा, तुम्हें अब समझ में आया कैसे करना है, कैसे करना है बोलो, तरीका क्या है मेरा? GI निकाला उसके बाद ही देख रहा हूँ, कोई मेरा नया तरीका है? बस उसी तरीके में तुम्हें कमांड करना है। GI वाले क्वेश्चन कर लिए तुमने 71 के 71? हाँ 71 एक बार और रिवाइज कर लेना, कौन से जो मेरे नंबर GI कहाँ कहाँ होगा कहाँ कहाँ नहीं होगा, उसी दिन से तुम्हारा इम्पोर्टेंट चालू हो गया था चैप्टर। अब देखो कोई बात नहीं, और सुनो, तो जो जो स्कूल आ रहे हैं ना तुम लोग, जो हाँ अब बाद में बताता हूँ, राज की बात कोई बात नहीं ना, इसमें क्या है, जो जो स्कूल नहीं आएंगे उनको मुझे एक्स्ट्रा में लेके पढ़ाना ही पड़ेगा, समझ में आया? मैं उसके लिए पहले से तैयार हूँ, मैं तो बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए एनी हाउ। ये कौन बताएगा इसमें कितने GI है? पहले GI निकाले, पहला काम क्या होगा हमारा, पहला प्रोसीजर GI। अब देखो यहाँ पर GI कौन कौन से सेंटर के अराउंड है देख लेते, यहाँ पर ऑन बोर्ड है, यहाँ पर क्या जाएगा आगे पीछे, क्यों जाएगा, क्योंकि ये SP3 है, ये SP3 है, तो ये आपका कहाँ होगा ऑन बोर्ड, तो एक तो यहाँ GI दिखा सकता है, अलग अलग ग्रुप है ना, यहाँ पर ये वाला अलग है, ये वाला आपका अलग है। अब यहाँ पर क्या है, ऑन बोर्ड था ये वाला आप कहाँ जाएगा आगे पीछे, ये वाला कहाँ जाएगा, तो ये वाले दोनों भी आपका आपके दिखाएंगे GI, ये वाले दोनों सेंटर और एक ये वाला सेंटर, तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, सिमेट्रिकल है ना, सिमेट्रिकल है, कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे सोचो थोड़ा सा, एक बनेगा सिस, एक बनेगा सिस ट्रांस, और ट्रांसिस बनेगा तो कैंसिल हो जाएगा, और एक कौन सा बनेगा बेटा, ट्रांस, तो बनेगा ट्रांस, क्लियर हो गया बेटा? अब तुम थोड़ा देखोगे कि क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सोच कर देखो, नहीं दिख रहा है प्लेन ऑफ सिमेट्री, सीधा काट दो, प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो कोई भी आपके कंपाउंड आपके ऑप्टिकल एक्टिव तो होंगे ही नहीं ना, होंगे क्या, नहीं समझ में आया तुमको, नहीं समझ में आया ना, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, हाँ या ना, आ गया समझ में? ये प्लेन ऑफ सिमेट्री खींच रही है तो इसका मतलब कोई भी आपके ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होंगे, तो टोटल कितने होंगे, GI कितने होंगे, 3 होंगे, SI कितने होंगे, 3 होंगे, खत्म क्वेश्चन। देखने में क्या लग रहा था, नहीं होगा हम छोड़ देंगे, अरे बेटा समझो, ये आपका सिस हुआ, सिस होगा तो क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, समझना कैसे बनेगा स्ट्रक्चर, समझना कैसे बनेगा, मैं बनाता हूँ स्ट्रक्चर कैसे बनेगा समझना, ये सिस वाला मैं बनाता हूँ, ट्रांस वाला, सिस ट्रांस वाला तुम लोग विजुअलाइज कर लोगे, ठीक है ना, सिस वाला बनाता हूँ, देखो यहाँ पर, फिर ये आपका जुड़ेगा कैसे, यहाँ पर इसको सिस वाला नहीं, मैं हाँ सिस वाला बना देता हूँ,
है, ये आपका एच, ठीक है, और यहाँ पर आपका ओ एच, देख लो आप। अब अगर मैं इस मॉलिक्यूल को ऐसे काटूंगा, ये एक के ऊपर एक ऐसे लेयर के फॉर्म में, थोड़ा सा दे देता है, देखो एक के ऊपर एक ऐसे लेयर के फॉर्म में ना, अगर मैं ऐसे भी काट दूंगा तो ये वाले बॉन्ड तो चले ही जाएंगे ना, बचेंगे तो क्या, एग्जैक्टली मिरर इमेज टू ईच अदर, एग्जैक्टली इक्वल पार्ट एंड मिरर इमेज टू ईच अदर, तो क्या हो जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। अब इसमें भी आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा और इसमें भी आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा, समझ में आया, समझ में आया, क्लियर हुआ कंसेप्ट, क्लियर हुआ। क्या इसमें कायरल की जरूरत है, कायरल सेंटर की नहीं है, ठीक है, सीधा तुम लोग पता लगा सकते हो, करो। कितने होंगे, चार होंगे, चार होंगे, तुम बताओ ना कहाँ दिक्कत है, सिस सिस लिया, सिस ट्रांस लिया, ट्रांसिस भी लेना है तुमको, कितने जीआई सेंटर है, चार का है, ये जीआई एरिया होता है, ये इन दोनों के अराउंड जीआई शो करेगा और ये इन दोनों के अराउंड, एक सेंटर पे तो कायरल होता है, इन दोनों के अराउंड जीआई शो करेगा, इन दोनों के अराउंड, तो जीआई शो करने वाले कितने सेंटर है, दो, तो कितने हो गए, समझ में आ गया तुम लोगों को। और अगर आप लोग है ना, आप लोगों को एक टास्क में ना देता हूँ, तो तुम लोग है ना ट्रिक है ना ढूंढ के लेके आना, ठीक है, तुम पहले ट्रिक ढूंढ के लेके आना, तुम्हें इतना इतना सा काम है, क्यों मैं दे रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि उस बहाने तुम्हें कुछ तो आएगा, कुछ तो तुम लोग नई चीज़ें सीखोगे, ट्रिक ढूंढ के लेके आना मेरे लिए, ठीक है, फिर मैं तुमको उसी ट्रिक से रिलेटेड एग्जाम्पल दूंगा जिस पर ट्रिक फॉलो नहीं होगी, तो आप उसको इस तरीके से करोगे तो आपको जल्दी समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। कभी हम किसी चीज़ का उल्टा करते तो ज़्यादा समझ में आता है, सीधा करते तो समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो तुम्हारा बस एक ही काम है, डेली जाओ, तुम मेरी मिस्टेक इन्हें ढूंढोगे तो उतना तुम्हें चीज़ें आएगी, ठीक है, तुम मेरी मिस्टेक ज़्यादा से ज़्यादा ढूंढो, ठीक है, तुम्हें उतनी चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है, समझ में आया बेटा, मेरी मिस्टेक ढूंढो खुल के आराम से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गई ये। अब देखो सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स क्या होगा बेटा, जल्दी बोलो, सिक्स बताओ क्या होगा, सिक्स में क्या करेंगे बताओ, मैं क्या करूँ बोलो, थोड़ा और इसको इंटरेस्टिंग बना दूँ, थोड़ा और इसको इंटरेस्टिंग मैंने बना दिया, आप बोलो, सबसे पहले क्या करेंगे, जीआई की बात कर ले, जीआई तुम्हें आ गया, कितने होंगे जीआई, सेम होंगे ना, ये सेंटर जीआई शो करेगा और ये सेंटर जीआई शो करेगा, मैंने स्पायरो वाला पढ़ाया था, उससे ज़्यादा अच्छा तो तुमको नहीं पढ़ाया, स्पायरो में मेरे 5-5, 6-6 रिंग डाल दी थी बेटा, ये तो सिंपल है, थोड़ा कोशिश करो। अब यहाँ पर कितने बनेंगे कॉम्बिनेशन जीआई के, बोलो जल्दी से, चार बनेंगे, क्यों, अनसिमेट्रिकल है, सिस 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 ट्रांस ट्रांस सिस ट्रांस ट्रांस, क्या 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 इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री, चाहिए ऊपर हो जाए चाहिए नीचे हो जाए, है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो क्या कोई भी ऑप्टिकल एक्टिव होगा तो क्या हो जाएगा, कितना आएगा बेटा, यहाँ पर 4 आएगा, समझ में आ गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री समझना, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मॉलिक्यूल को काट के निकल रही है, इसलिए हम इसमें सिसो ट्रांस नहीं देख रहे, लेकिन अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या मॉलिक्यूल को काट के निकलेगी, इससे पहले वाले एग्जांपल में CH3 वाले में प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या मॉलिक्यूल को काट के निकल रही थी, ये वाले एग्जांपल में क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री मॉलिक्यूल को काट के निकल रही थी, हाँ या ना, नहीं निकल रही थी ना मॉलिक्यूल को काट के, इसीलिए मैं इसमें क्या देखता था, सिसो ट्रांस, यहाँ पर तो प्लेन ऑफ सिमेट्री किसको काट के निकल रही है,
तो इसमें सिस और ट्रांस देखने का कोई फायदा ही नहीं है, चाहे वो सिस में रहे चाहे वो ट्रांस में रहे, प्लेन ऑफ सिमेट्री तो मॉलिक्यूल को काट के निकलेगी निकलेगी, तो खत्म। टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने हो जाएंगे बेटा इसके? चार। अब समझ में आया? कल मैंने क्वेश्चन दिए थे शायद से ऑप्टिकल आइसोमर निकालने के, सारे हो गए? चलो लिख लो इसको, आइडिया लग रहा है ना तुम लोगों को? बस कितने बजे तक लेक्चर होता है ये वाला? कितने बजे तक होता है लेक्चर? 11? ये वाला नहीं है, टाइम चेंज हो गया है, वो 11:30 तक होता है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा। अभी एक घंटा है, एक घंटे में तुम्हें तुम्हें पूरा ऑप्टिकल रटाना है मुझे काम। ऑप्टिकल तुम्हारा इतना स्ट्रॉन्ग करा देना है कि बेटा इससे ज़्यादा खतरनाक क्वेश्चन नहीं होंगे बेटा, मैं तुमको आज भी बोल रहा हूँ और हमेशा बोलता रहूँगा। तुम अगर कॉपी बार बार पढ़ जाओगे ना बेटा, तुम्हें आज इस चीज़ का तुम्हें पता नहीं पड़ेगा कि सर बोल रहे थे, मैं मानूँ या फिर ना मानूँ, लेकिन तुम्हें जब तुम एग्ज़ाम का पेपर देखोगे ना तब तुम्हें लगेगा सर बोल रहे थे, सही बोल रहे थे, उनकी कॉपी पढ़ जाओ, थियोरी के लिए मेरी कॉपी से बढ़ के कोई इश्यू नहीं है, ठीक है ना? एलन का मॉड्यूल पढ़ो ना कुछ पढ़ो, ना बंसल का मॉड्यूल, ना सिंगेज भी मत पढ़ो। मैं तो तुम्हें कभी थियोरी देखो, तुम्हारी जो कॉपी की थियोरी है ना वो बिल्कुल एनसीईआरटी से मैच खाती है। मैं एनसीईआरटी का एक एक लाइन पढ़ाता हूँ वो तो जानते हो ना, तो फिर कोई रेफरेंस बुक पढ़ने की क्या ज़रूरत है? ठीक है, यहाँ तक आ गया, अब इसके बाद समझ में आया? अब इसके बाद समझते हैं बेटा, इसके बाद समझते हैं। देखो अब सात सेवंथ का क्या करें, क्या करें बोलो? सेवंथ क्वेश्चन थोड़ा और तगड़ा लेते हैं, स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन। कुछ याद आ रहा है? क्या याद आ रहा है इसमें? जीआई निकालने का तरीका कुछ याद आ रहा है इसमें? जीआई निकालने का तरीका आया ना? कौन सा वाला था ये क्वेश्चन, सोचो थोड़ा सा, कौन सा वाला था? मैंने बताया था रिंग से जब तीन ग्रुप जुड़े रहते हैं तो हम रोटेट कर करके जीआई निकालते हैं, याद आया अब? हाँ, तो अब तुम्हें क्या निकालना है? टोटल जीआई निकालना है। ये मैंने थोड़ा सा कम लेवल का हो गया, अब इसके अंदर जीआई के अंदर जीआई डाल के तुम्हें ऑप्टिकल निकालना है, वो भी करना है। मैंने लास्ट के दो तीन क्वेश्चन कराए थे तुमको जीआई में, वो क्वेश्चन कर लोगे तो ये आ जाएंगे अपने आप, ठीक है? अब देखो जल्दी से बोलो, यहाँ पर क्या क्या होंगे बेटा? एक कौन सा होगा? ठीक है, ये एक होगा, दूसरा कौन सा होगा? हाँ, दूसरा कौन सा होगा आपका? CH3 को रोटेट करना पड़ेगा, कर दो रोटेट, ये वाले साइड वाले को रोटेट कर दिया। समझ में आ रहा है बेटा? सोहम गांधी, समझ में आ रहा है? तू ही बचा है क्या हॉस्टल में अकेला बेटा, भटकती आत्मा? जाना है आज? जाना है? जाओ, इसको कर लेना, यहाँ तक आज आया है तो आज तुझे मतलब जो टिपिकल टॉपिक थे ना वो ख़त्म हो जाएंगे आज। अब थोड़ा से अब बोरिंग वाले टॉपिक बचेंगे जो तुम्हें बोर करेंगे थोड़ा सा। अगला कौन सा होगा चेक कर लो ना, ये क्या हो गया? सेस ऐसे ही बताया था मैंने कहीं, ये कौन सा होगा? सेस ट्रांस, यहाँ पर क्या लिखेंगे? C1 C2 नहीं आया, ये दोनों सेम था C1, ये दोनों भी सेम है, यहाँ पर क्या लिखेंगे? C2, यहाँ पर क्या होगा? C1 बोलो, T1
यहां पर क्या होगा बेटा बोलो, बताया था ना ऐसे ही, नहीं आ रहा है तुमको याद, तुम लोग बिल्कुल नहीं पढ़ते, बस मेरी आत्मा तुम लोग बाहर निकालोगे। आप बोलो क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर क्या जाएगा टी टू, सॉरी टी वन, बोलो क्या हो जाएगा टी वन, टी वन बोलो, टी वन टी वन सी वन अलग हो गया, यहाँ पर अलग ही ना, टी वन टी वन यहाँ पर सी वन टी वन था, यहाँ पर टी वन टी वन। और एक कौन सा होगा बेटा बोलो, एक बार दोनों को घुमा दो, घुमाओ दो दोनों को, क्या आएगा जल्दी बोलो, दोनों को घुमाओ जल्दी से, क्या हो जाएगा जल्दी बोलो, यहाँ पर H, यहाँ पर CH3, यहाँ पर क्या जाएगा C2H5, और यहाँ पर H, यहाँ पर CH3, और यहाँ पर H, बोलो क्या होगा, T1 बोलो जल्दी बोलो, T1 T1 C1 T2, क्या ये सिमिटर सेम आ रहा है कहीं से कहीं, कौन से वाले का, सेकंड वाले का सेम आ गया, तो ये आपका नहीं होगा, मुझे तो याद था क्योंकि दो सिमिलर थे एक डिसिमिलर था तो तीन ही बनते, ठीक है। अब देखो यहाँ पर समझना, अब क्या, अब ऑप्टिकल आइसोमर निकालना है, इसके अंदर POS है तो इसका कितना बनेगा, इसके अंदर क्या POS होगा, इसके अंदर क्या POS होगा, नहीं होगा क्या, इसके अंदर POS होगा, इसका दो बना, इसका कितना बना, एक बना, टोटल कितने आ गए, चार, जी आई कितने हुए, तीन, ओ आई कितने हो जाएंगे, चार, और टोटल कितने हो जाएंगे बेटा, वो एस आई कितने हो जाएंगे, चार। अब मेरी मुद्दे वाली बात समझो, ये आपका मीजो होगा, सिमेट्रिकल है ना, सिमेट्रिकल हो कंपाउंड, और कायरल सेंटर भी है, कायरल सेंटर है कि नहीं है, जब दो, देखो मीजो कब होगा, जब उसके अंदर कायरल सेंटर होगा और प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, तब वो क्या होगा, मीजो होगा। तो कायरल सेंटर भी और ये भी, तो मीजो कितने हुए, दो, और इनेंशियोमर कितने पेयर बनेंगे, ये वाला इनेंशियोमर होगा, दो दो इनेंशियोमर होंगे और दो, मतलब मिरर इमेज वाले क्या होंगे, इनेंशियोमर, और जो ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन होते, मीजो होते, और मीजो क्या होते, कायरल सेंटर के साथ, और POS अगर हुआ तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, तो वो मीजो के कैटेगरी में आ जाएगा। समझ में आ गया, लिख लो, आप समझ में आया, कल मैंने मीजो क्या बताया था, जो आपका कटेगा वो आपका मीजो होगा, बताया था ना, जो आपका कटेगा वो आपका मीजो होगा, तो क्या वहां पर मैं कायरल सेंटर से POS और COS देखता था ना, क्या उसके अंदर कायरल सेंटर था, तभी मैं RS बनाता था ना, वो काटता बाद में था वो अलग बात है, लेकिन वो RS तो बनाता था, इसका मतलब उसके अंदर कायरल सेंटर था, और कायरल सेंटर होने के बाद भी क्या है बेटा, POS प्रेजेंट था, तो इसीलिए वो सारे के सारे कटने वाले कौन से थे, मीजो। तो मीजो के लिए क्या कंडीशन है बोलो, मीजो के लिए क्या कंडीशन तुमने ऑब्जर्व की बताओ, कायरल सेंटर और क्या होना चाहिए बेटा, POS हो गया आपका मीजो। समझ में आ गया, क्लियर हुआ कंसेप्ट पक्का। अब तीन अगर मैंने डिसिमेट्रिकल बना दिए तो क्या उसमें मीजो होगा, तीनों मैंने अलग अलग कर दिए तो क्या उसमें कभी भी कहीं पर भी मीजो बनेगा, नहीं बनेगा। टोटल कितने बनेंगे, चार, ठीक है, और कितने इनेंशियोमर पेयर बनेंगे, कितने आपके इनेंशियोमर बनेंगे, आठ, दो दो हो जाएंगे ना, कितने आपके वो मीजो एक भी नहीं होगा ना, तो कितने इनेंशियोमर बनेंगे आपके, आठ। ये सिंपल तरीका था, ठीक है, होमवर्क दू या फिर कर लोगे। अब तुम्हें एक बताता हूँ, चेक भी करना रहता है क्या बीच बीच में, फिर वो पहले तो ब्लड नहीं आया ना, पहले का सही हुआ ना रिकॉर्डिंग, अच्छा ये आ गया समझ में, यहाँ वाला लिख लिया था, अब समझ में आ गया तुम लोगों को अच्छे से। एक और कॉन्सेप्ट,
रेट ज्यादा नहीं दिखता, ब्लू मार्कर लिया ना ना कल्पेश, ब्लू मार्कर इंक डाल के लेके इंक डाल, मेरा तो किसी का मन दे देगा जा। देखो अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब तुम मुझे बताना इस क्वेश्चन में और पहले वाले क्वेश्चन में क्या फर्क है। इस क्वेश्चन में पहले वाले क्वेश्चन में क्या फर्क है बताओ। इस क्वेश्चन में पहले वाले क्वेश्चन में क्या फर्क है? एक में भी POS नहीं होगा, बिल्कुल करेक्ट। एक में भी क्या नहीं होगा? बनाओ बनाओ बनाओ, चारों बनाओ एक बार, आप चारों बनाओ एक बार आप फटाफट। इजी था कि टफ था? कितने आए, कितने आए? सिक्स आ गए। कितने एनेंशियोमर है? एनेंशियोमर कितने? छह। मीजोमर जीरो। क्लियर फंडा। अब इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछेगा, और पूछ लेते टफ, और टफ कर देते हैं। नाइन्थ, इसमें कितने आ जाएंगे टोटल? टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितने आ जाएंगे बेटा? जीआई कितने होंगे बेटा इसके? तीन होंगे। और सारे के सारे जीआई, किसी भी जीआई में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, पीओएस नहीं होगा, और किसी भी जीआई में पीओएस नहीं होगा तो ऑप्टिकल आइसोमर कितने हो जाएंगे? छः। और टोटल टोटल स्टीरियो भी आपके कितने हो गए बेटा यहाँ पर? छः। समझ में आ गया? अब देखो एक और क्वेश्चन, यही क्वेश्चन मैं अगले साल, मैं ट्वेल्थ का पहला चैप्टर होगा ना हाइड्रोकार्बन, उसमें कराने वाला हूँ इससे रिलेटेड क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने होंगे विद आइसोमर? रिजियो सेलेक्टिव, स्टीरियो सेलेक्टिव, वो सब इसमें आने वाला है। अब देखो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं।
यही बचा था एक। अब बताओ, अब बताओ जी आई कहाँ कहाँ है। अब इसके सबसे पहले क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन। मैंने बताया बताया था, चेन अगर बाहर होता तो क्या करते, चेन अगर बाहर होता होता है तो क्या क्या करते। मैंने मैंने जीआई में क्वेश्चन लिखा था ना, एक पहले चेन का कॉम्बिनेशन बना लेते, या तो ये सिस होगा या तो ये आपका क्या होगा, ट्रांस होगा। तो इससे कितने मॉलिक्यूल निकलेंगे बेटा, इससे कितने मॉलिक्यूल निकलेंगे, या तो ये आपका सिस वाला होगा या तो ये आपका क्या होगा बेटा, ट्रांस वाला होगा। समझ में आ गया, दो मॉलिक्यूल निकल गए। अब दोनों में क्या करते बेटा, अब दोनों में कैसा होगा बोलो जल्दी से, या तो ये एक बार ऐसा होगा CH3 ऊपर हो जाए, सिस ऊपर हो जाए, एक बार क्या होगा बेटा, मैंने ऐसा ही बताया था ना तुम लोगों को, CH3 ऊपर हो जाए ट्रांस, और है ना सिस एक बार नीचे हो जाए। इसी तरीके से इसके कितने बनेंगे, दो बनेंगे, टोटल कितने हो गए, चार। किसी में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है नहीं है ना, और सबका ऑप्टिकल आइसोमर बनेगा एक एक, कितने हो गए टोटल। ऐसा क्वेश्चन कराया था GGI में मैंने, कब कराया था, लास्ट टाइम ही कराया था ना मैंने ऐसा क्वेश्चन। तो इसमें भी दो बनेंगे, इसका बनेगा दो, इसका बनेगा आपका दो, इसका बनेगा आपका दो, इसका बनेगा आपका कितना, दो। समझ में आया, टोटल कितने होंगे बेटा, आठ। क्लियर हो गया, आप बनाना आ गया तुम लोगों को, एक और बना ले, एक और देख लेते, इससे भी ज़्यादा टफ वाला। स्यूडो कायरल सेंटर आया, क्या होता है, घर जाके किया था तुम लोगों ने पूरा, ईमानदारी से बोलो, नहीं किया हो तो मुझसे 50 बार आके पूछो, तुम्हें मैं 50 बार बताऊंगा। हो गया ये वाला, क्लियर हो गया फंडा। एक और क्वेश्चन करना चाहते हो या फिर काफ़ी है, इतना काफ़ी है, या एक और करना चाहते हो, एक और करा देता हूँ मैं, POS वाला करा देता हूँ, इसके अंदर POS भी ला देते हैं आप। और जितने क्वेश्चन किए ना, अब जब भी तुम रिवीजन करो ना, सबसे पहले GI को करते हुए, GI के क्वेश्चन सोल्व करते हुए, देन ऑप्टिकल के क्वेश्चन सोल्व करते हुए, देन स्टीरियो के क्वेश्चन सोल्व करना, ठीक है, तो अपने आप समझ में आ जाएंगे। देखो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, सिमेट्रिकल है ना कंपाउंड, सिमेट्रिकल कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होता है, जब आपके कितने कायरल सेंटर हो, हाँ तीन कायरल सेंटर हो, कितना होगा, 2 की पावर n-1, कितना होगा, नहीं नहीं 2 की पावर n-1 ही होगा ना, मीजो भी है ना इसके अंदर, तो ये उसको फॉर्मूले, यहाँ साइक्लिक में तुम लोग फॉर्मूला कंफ्यूज कर दोगे, तुम लोग गलत लगा दोगे, ठीक है ना, इसलिए साइक्लिक में फॉर्मूला मत लगाना। साइक्लिक में ऐसे निकालना आगे तुम लोगों को, आगे निकालना ऐसे, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, एक बार तुम लोग अगर खुद का हाथ चलाओगे ना तो अपने आप आएगा। अभी अद्वैत और आयुब से पूछ लो किसी भी कंपाउंड का आइसोमर, वो सारे के सारे स्ट्रक्चर निकाल देंगे, सारे के सारे। तो
इसीलिए तुम लोग इस पर प्रैक्टिस करो बार 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 बोल रहा हूँ मैं 50 बार बोल रहा हूँ, अगर नहीं किया तो तुम्हें कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जल्दी से CH CH CH3 CH CH3, अभी बताओ यहाँ पर कितने होंगे? पहले कॉम्बिनेशन बना लेते हैं चेन चेन का, ये सीस हो ये आपका सीस हो। ठीक है, कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे बेटा जल्दी बोलो, कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? ये आपका सीस हो, ये भी आपका क्या हो जाए? सीस हो जाए। एक कौन सा कॉम्बिनेशन बनेगा? ये आपका क्या हो जाए? सीस हो जाए। ये आपका क्या हो जाए? ट्रांस हो जाए। दोनों सिमेट्रिकल है तो एक कौन सा कॉम्बिनेशन बनेगा बेटा? एक आपका क्या हो जाए, अब समझना, एक आपका ट्रांस हो जाए और ये भी आपका क्या हो जाए बेटा? ट्रांस हो जाए। अगर बेटा आपका दोनों ट्रांस ट्रांस हो गए, अब इसमें कौन कौन से कॉम्बिनेशन बनेंगे जल्दी बताओ? अब साइक्लिक में, साइक्लिक में कौन कौन सा बनेगा? अब देखो ये आपका सिस है, ये आपका ऊपर सिस है, यहाँ पर एक कौन सा बनेगा बेटा जल्दी बोलो? एक आपका नीचे सिस वाला होगा, एक आपका ऊपर कौन सा वाला होगा? सिस वाला होगा। एक आपका ऊपर होगा सिस वाला, एक होगा ऊपर सिस वाला। आप बताओ, आप बताओ इसमें क्या फर्क दिख रहा है? सिस सिस मतलब मॉलिक्यूल सेम है ना, बताओ क्या दिख रहा है तुम्हें? मुझे कुछ दिख रहा है इसमें? POS आ जाएगा इसमें। POS कितना हुआ? एक इसकी वजह से, दो इसकी वजह से। अब इसमें बताओ, इसमें कहीं POS नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एक सिस है, एक आपका ट्रांस है। समझ में आया? इसकी वजह से भी दो, इसकी वजह से भी आपका दो, इसकी वजह से। बोलो जल्दी से अब। हाँ, हो गया आप क्वेश्चन, समझ में आया? ट्रांस, ये आपका ट्रांस होगा, एक आपका क्या होगा बेटा जल्दी बोलो? ये आपका ट्रांस होगा, ये आपका ट्रांस होगा, बताओ, सॉरी ये आपका ट्रांस होगा। कहाँ POS है बोलो? कहाँ POS है? इसके अंदर POS है, तो इसकी वजह से एक, इसकी वजह से दो, टोटल कितने हो गए? हाँ 10। मीजो कितने होंगे? मीजो कितने होंगे? मीजो क्या होता है? क्या ये कैरल सेंटर नहीं है? क्या ये कैरल सेंटर नहीं है? हाँ या ना? है? क्या ये कैरल सेंटर नहीं है? कैरल सेंटर होने के बावजूद भी इसके अंदर क्या आ रहा है? तो वो क्या होता है? मीजो। तो मीजो कितने? दो। और वो एनेंशियोमर कितने? 8। आ गया तुम्हें आप? तो टोटल कितने हो गए बेटा? स्टीरियो आइसोमर कितने हो गए? 10। बस अब इससे ज़्यादा लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे, चलो अब नेक्स्ट लेवल पे स्टार्ट करते हैं। समझ में आ गया? कहाँ तक पढ़ा दिया था तुम लोगों को मैंने? अब बाकी मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना उसका मैंने लेक्चर भी भेज दूंगा, ठीक है ना? उसका मैं लेक्चर भी भेज दूंगा। इंटर कन्वर्जन करना एक दो में सिखा देता हूँ, ठीक है ना? मतलब किसी फॉर्म से किसी दूसरे फॉर्म में लाना, ये तुम्हें तो आना चाहिए ना, किसी फॉर्म से किसी दो दूसरे फॉर्म में लाना, मैं तुम्हें सिखा देता हूँ इंटर कन्वर्जन करना, वो समझ जाना। इंटर कन्वर्जन मैंने लिखवाया ना उन लोगों को, मैं
देखो अब क्वेश्चन, देखो इंटर कन्वर्जन ऑफ प्रोजेक्शन, इंटर कन्वर्जन ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब समझ में आ रहा है क्या मैंने बोला है? इस लाइन का मतलब समझ में आया? इंटर कन्वर्जन ऑफ प्रोजेक्शन, हाँ फिशर से मुझे किस में जाना है? सामने देखो, फिशर से मुझे किस में जाना है? वेज डिटेज से मुझे किस में जाना है? न्यूमैन में, न्यूमैन से मुझे किस में जाना है? सोहर्स में। तो ऐसे में कहीं पे भी घूम सकता हूँ, ठीक है। अब तुम्हें मैं पूरी केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा किससे? फिशर से। और अगर क्वेश्चन आया तुम्हारा किस में? सोहर्स में, तो सबसे पहले क्या करोगे? फिशर में कन्वर्ट करके सोल्व करोगे। समझ में आया? चलो लिखो, इंटर कन्वर्जन बिटवीन, इंटर कन्वर्जन ऑफ प्रोजेक्शन। कितने टाइप के प्रोजेक्शन हमने पढ़े बेटा? हमने कितने टाइप के प्रोजेक्शन पढ़े बेटा? तीन टाइप के। समझ में आया? कौन कौन से बोलो? वेज डैश, फिशर, या फिर सोहर्स, या फिर न्यूमैन। न्यूमैन कौन सा होता है? न्यूमैन कौन सा होता है? बिल्कुल ऐसे। और सोहर्स कौन सा होगा? इसको खींच के अगर सेट कर दूंगा तो वो सोहर्स हो जाएगा। समझ में आया? चलो पहला क्वेश्चन कन्वर्जन ही सीखते। अब आपको कन्वर्जन करना आना चाहिए, ठीक है ना? यही सबसे बड़ी तकलीफ होती है अदर्स को। अब सबसे पहले न्यूमैन में कन्वर्ट करते हैं। किसमें कन्वर्ट करते बेटा हम लोग? न्यूमैन में। तो मैं फ्रंट कार्बन किसको मान लेता हूँ और रेयर कार्बन किसको मान लेता हूँ? इसको मान लेता हूँ मैं फ्रंट कार्बन। इसको क्या मान लेता हूँ मैं? रेयर कार्बन, ठीक है ना? इसको क्या मान लेता हूँ? फ्रंट कार्बन। इसको क्या मान लेता हूँ? रेयर कार्बन। डैश कहाँ होगा? डैश कहाँ होगा आपके? पीछे। और वेज कहाँ होगा आपके? आगे। इसको मैं अगर यहाँ से देखूँगा तो यहाँ पर मुझे बी आर कहाँ दिखेगा? यहाँ से देखूँगा तो बी आर मुझे इस तरफ दिखेगा, ठीक है। एच मुझे इस तरफ दिखेगा और सी एस थ्री मुझे इस तरफ दिखेगा। तो फ्रंट कार्बन में बताओ कैसे होगा? आप तुम्हें समझ में आ गया होगा। फ्रंट कार्बन में सी एस थ्री कहाँ दिखेगा? ऊपर। बी आर कहाँ बनाना पड़ेगा? बी आर इस तरफ बनाना पड़ेगा और एच मुझे इस तरफ बनाना पड़ेगा बेटा। समझ में आ गया? और बैक कार्बन में क्या होगा? कौन मुझे सी एस थ्री मुझे कहाँ दिखेगा? यहीं से देखना है, देखना यहीं से। देखने का डायरेक्शन चेंज मत कर देना, तुम लोग सब चेंज आपका हो जाएगा। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, देखना यहीं से सी एस थ्री कहाँ चला जाएगा? नीचे। और बी आर तुमको एक एच कहाँ दिखेगा? और एक कर दिया तुमने इसको न्यूमैन में, हो गया इजिली न्यूमैन में कन्वर्ट, हो गया इजिली पक्का, ठीक है। अब न्यूमैन से क्या बनाना है? सोर्स। तो एक तरीका समझना, न्यूमैन से सोर्स बनाने का एक सिंपल तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ। समझने की कोशिश करना, तुम्हें दो दो तीन तरीके बता सकता हूँ मैं, लेकिन तुम्हें एक ही तरीका फॉलो करना है क्योंकि अभी तुम्हारे पास टाइम कम है। अब क्या करोगे? इसको रोटेट करो और कोशिश करो मैक्सिमम कि कार्बन कार्बन वाला एक ही तरफ आ जाए, कार्बन कार्बन वाला एक ही तरफ आए। मैक्सिमम इस तरीके से रोटेट करना है। हम कैसे भी रोटेट कर सकते हैं, ठीक है ना? मैं दो टाइप का रोटेशन बताऊंगा लेकिन दोनों से आंसर एक ही होगा, ठीक है? दोनों से आंसर तुम्हारा एक ही होगा, बस वो अंतर ये होगा जब तुम वो आर एस निकालोगे ना, आर एस, तो तुम्हारा क्या होगा? सिमिलरली होगा, ठीक है। अभी देखते हैं, समझते हैं। अब जल्दी जल्दी बताओ, इसका अगर मैं रोटेशन करा दूँ 60 डिग्री, तो सामने देखो, रोटेशन अगर मैं 60 डिग्री पीछे वाले को करा दूँ इधर, तो क्या होगा बेटा बोलो? क्या होगा, कैसे बन जाएगा बेटा? ये आपका सी एस थ्री बन जाएगा, या आपका एच बन जाएगा, या आपका बी आर बन जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? एच। यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, जल्दी बोलो? सी एस थ्री। पीछे वाले को मैंने 60 डिग्री घुमा दिया है, यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा वैष्णवी?
तुम ध्यान दो इधर, ठीक है? अब देखो क्या होगा बेटा, जल्दी बोलो। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, ये CH3 और H को एक तरफ ले आएंगे। लिख दिया मैंने एक लाइन में, एक लाइन में लिख दिया CH3 और H को मैंने एक लाइन में लिख दिया। अब यहां पर लेफ्ट साइड कौन सा बनाए, यहां पर इस तरफ कौन सा बनाए, राइट साइड कौन सा है CH3 और BR, तो राइट साइड कौन सा आएगा CH3 और BR। और ये CH3 किससे अटैच है, CH3 पीछे वाले से या आगे वाले से, और H कहां पर है, पीछे वाले में ना, तो यहां पर CH3 बना दो, यहां पर क्या बना दो, यहां पर क्या बना दो H, और यहां पर H बन गया ये। या फिर तुम क्या करो, तुम लोगों को मैक्सिमम बताता हूँ, CH3 को पास लाया करो, जिससे तुम्हें काफ़ी इजी पड़े आगे जाके। तो CH3 को पास लाने के लिए क्या करोगे, कितने डिग्री से रोटेट करोगे CH3 को पास लाने के लिए, 180 से रोटेट करोगे ना पीछे वाले को, पीछे वाले को पूरा 180 से रोटेट करोगे। और 180 से रोटेट करोगे तो क्या होगा बेटा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, 180 से रोटेट करोगे तो क्या होगा, ये H और ये BR। अब बोलो 180 से रोटेट करोगे तो क्या होगा, पीछे वाला CH3 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर ये आपका CH3 और यहाँ पर ये वाला H यहाँ आ जाएगा और ये वाला H तुम्हारा यहाँ आ जाएगा। क्लियर हो गया बात? अब बनाओ, अब क्या करोगे, एक लाइन पे ऊपर नीचे क्या लिखोगे, वही ग्रुप लिखोगे ऊपर वाले, कौन से लिखोगे CH3। यहाँ क्या हो जाएगा बेटा बोलो जल्दी से, राइट साइड, ये आपका फ्रंट वाला है, फ्रंट वाला, इसको मैंने फ्रंट वाला बोला, इसको मैंने रियर वाला बोला, ये मैंने फ्रंट वाला, ऐसे बना लिया करो, फ्रंट वाला बना लिया, फ्रंट वाले पे कौन सा जुड़ा हुआ है, राइट साइड BR और ये H, और रियर वाले पे कौन सा जुड़ा हुआ है H और AH। आगे आप समझ में, कन्वर्जन समझ में आया, कन्वर्जन समझ में आया। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, तो इससे यहाँ जाने के लिए क्या करोगे तुम बताओ, इससे तुम क्या निकाल सकते हो, ये इससे तुम क्या अब ये वाला निकाल सकते हो, हाँ या ना, अरे बोलो ना, ऊपर नीचे वाले को ऊपर ही बना दो दोनों को, और इस तरफ वाले को ये बन जाएगा, फिर इससे ये भी तुम लोग निकाल सकते हो रोटेट करा के। समझ में आया, क्लियर हुआ तुम्हारा प्रोजेक्शन, समझ में आया कैसे बना गया, ये कौन सा था, ये कौन सा था, ये कौन सा था, फिशर। अब समझो इसका निकालो कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ होगा, यहाँ क्या आपका RS होगा, क्या ये कैरल सेंटर है, क्या ये कैरल सेंटर है। अब एक कैरल सेंटर में क्या ऑप्टिकल आइसोमर बनेगा ना, अगर आपका एक कैरल सेंटर होगा तो क्या ऑप्टिकल आइसोमर बनेगा कि नहीं बनेगा, किसी कंपाउंड में एक कैरल सेंटर होता है तो ऑप्टिकल आइसोमर बनता है, कौन कौन सा बनता है, या तो R बनेगा या तो S बनेगा, तो मतलब इनेंशियोमर बनेगा कि नहीं बनेगा इसका, क्या इसके अंदर मीजोमर होगा, इम्पॉसिबल है ना, मीजोमर कब होता है, कायरल सेंटर भी हो प्लेन ऑफ सिमेट्री भी हो। चलो अब जल्दी बताओ, कायरल सेंटर है, बताओ जल्दी से, डैश पर लोएस्ट प्रायोरिटी वाला होना चाहिए, ऑब्वियसली बात है पहले से है। अब सबसे पहला ये हो जाएगा 1, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा, घुमाओ S, पक्का ये आपका S हुआ, चलो ठीक है, क्या मैंने जो बनाया क्या वो सही है, घुमाओ इसमें, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, इसको नीचे लाना है, 2 इधर जाएगा, 1 यहां जाएगा, 3 यहां जाएगा, 1 2 3, क्या मैंने ये वाला बनाया, क्या ये सही है, और ये तो बात तो वही है ना, ऊपर वाला ग्रुप तो, चलो आगे आप, तुमको ये और ये क्या होंगे, इन दोनों में क्या रिलेशनशिप होगा, आइडेंटिकल, बस प्रोजेक्शन अलग है ना, कौन सा होगा, एक क्वेश्चन कराया था ऐसा मैंने, RS निकाल के चेक करे थे, ये दोनों क्या होंगे, आइडेंटिकल, बस क्या अलग है, प्रोजेक्शन अलग है, समझ में आ गया, चलो लिखो, क्लियर हो गया तुम लोगों को, कैसे कैसे मैं निकाल रहा हूँ तरीका समझ में आ रहा है। अभी एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं हम इससे रिलेटेड, ताकि तुम्हें ये पूरा अच्छे से आ जाएगा, अब तुम लोग बताओगे, ठीक है ना, अब तुम लोग बताओगे, थोड़ा मैं अटपटा क्वेश्चन लेता हूँ। अब देखो बेटा, यहाँ पर तुम लोग एक चीज़ समझो,
कि ये सी एस थ्री ऊपर जा रहा है, ये वाला सी एस थ्री नीचे आ रहा है, इसका मतलब क्या है? न्यूमेन में एक सी एस थ्री ऊपर जाएगा, एक नीचे आएगा। लेकिन अगर दोनों ऐसे होते तो क्या होता? दोनों सी एस थ्री अगर ऐसे होते तो क्या होता? दोनों सी एस थ्री ऊपर आ जाते। अभी मैं एग्जाम्पल करा रहा हूँ, तुम्हें समझ में आएगा। जल्दी जल्दी लिखो। टफ लग रहा है ये वाला? आप टफ नहीं लग रहा होगा क्योंकि टफ टफ वाला सेक्शन गया ऑप्टिकल आइसोमर। अब मुझे भैया बताओ, क्या तुम ऑप्टिकल आइसोमर को ऑनलाइन समझ पाते? तुम्हारे यहाँ मैं बनाता 3 और घर पे तुम निकालते 1, घर पे निकालते 10, नए नए बना देते तुम लोग। थोड़ा सा अब प्रैक्टिस कर लो अच्छे से और कवर कर लो। अच्छे बच्चे हो तुम लोग, मन के सच्चे हो। सी सी बी आर सी एल बी आर एच सी एल एच, ठीक है? अब जल्दी से बताओ, जल्दी से करो एक बार। 2 मिनट पहले नोट डाउन कर लिया तुम लोगों ने? पहले नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम आगे उठे। समझ में आया खेल? तो देखो, ऑप्टिकल आइसोमर एज कम्पेयर टू ज्योमेट्रिकल काफ़ी इजी है। ज्योमेट्रिकल में थोड़ा हमको प्लेन देखना पड़ता है, लेकिन ऑप्टिकल में हमको इतना नहीं करना पड़ता है। जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी एक दो क्वेश्चन और फटाफट देख लेते। फटाफट बताओ बेटा इसमें। अब जल्दी बताओ कैसे करोगे इसको? इसमें बताओ, हाँ इसको कन्वर्ट करना है। सबसे पहले न्यूमेन में कन्वर्ट करो। कहाँ से देखना चाहते हो? अरे यहाँ से भी देख सकते हो, ऐसा नहीं है मैंने कोई वो नहीं रखा। देखो, लेकिन इसको जहाँ से देखा उसी को भी यही, उसको भी ऐसा नहीं कि इसको यहाँ से देख रहे हो, इसको यहाँ से देख रहे हो, सब गोलमोल हो जाएगा। कहाँ से देखना चाहते हो तुम बताओ? आप तुम बताओ, यहीं से देख लेता हूँ मैं, मुझे ईजी पड़ेगा। तुम लोग वहाँ से देख लेना अपने हिसाब से, घर पे जाके तुम लोग वहाँ से देख लेना। तुम्हें देखना ही तो है। देखो ढंग से देखो, सी एल कहाँ जाएगा? हम किसी के लिए डैश कब बनाते हैं बोलो? डैश कब बनाते हैं? जब वो हमको दिखता नहीं है ना, जब वो पीछे की ओर होता है उसी को हम डैश बनाते हैं ना। ड्राइंग में तुमने डैश किसको बनाते हो? जो दूर होता है तुमसे उसी को बनाते हो ना। चलो ठीक है, ये क्या है? ये आपके पास है तो ये आप, ये मुझे यहाँ से देखूंगा तो मेरे रेड पे आएगा, और ये मेरे कहाँ आएगा? लेफ्ट पे। ये वाला बताओ, एच बी मेरे लेफ्ट पे, बी आर बी मेरे राइट पे, तो बना दो जल्दी से। ये मेरा बना दिया, ये मैंने कौन सा कार्बन बना दूँ? फ्रंट कार्बन। फ्रंट कार्बन इसको माना, इसको रेयर मान लिया। जल्दी बताओ ऊपर क्या लिखना पड़ेगा मुझे, बोलो ऊपर क्या लिखूंगा मैं? एच, वेरी गुड। यहाँ क्या लिखूंगा? बी आर। और यहाँ क्या लिखूंगा? आया। अब नेक्स्ट बताओ ऊपर क्या लिखूंगा? अब यहाँ से देखूंगा तो
यहां से देखूंगा तो एच के डायरेक्शन में मुझे सीएल दिखेगा, यहां क्या लिखूंगा बोलो, बी आर, वेरी गुड, यहां क्या दे लिखूंगा बोलो, एच। समझ में आ गया? अब तुम्हें क्या रोटेट करने की जरूरत है, सीधा क्या बना दोगे इसका, फिशर कैसे बनाओगे बोलो, यहां क्या लिखोगे एच, और यहां क्या लिखोगे सी एल, और यहां क्या लिखोगे, ये फ्रंट कार्बन वाला होगा, ये आपका रेयर का होगा, फ्रंट कार्बन का बोलो सी एल, यहां यहां पर क्या आएगा, रेयर का बी आर, यहां पर फ्रंट का बी आर, कितना टाइम लगा? अब चेक कर लेते क्या हम सही है या गलत है, चेक करो फ्रंट कार्बन का, ये आपका हो जाएगा वन, ये आपका हो जाएगा बेटा आपका जल्दी बोलो टू, ये आपका हो जाएगा थ्री, ये आपका हो जाएगा फोर। अब क्या करना है, फोर को किससे एक्सचेंज करना है, वन से, फोर जाएगा इधर, यहाँ जाएगा वन, वन आ गया यहाँ, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा जल्दी बोलो, यहाँ पर टू आ जाएगा और यहाँ पर थ्री आ जाएगा, तो वन टू थ्री क्या हो गया आर हो जाएगा, तो इसका कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा आर, इसका निकालो, इसके रेस्पेक्ट में ये हो गया वन, ये हो गया टू, ये हो जाएगा बेटा आपका थ्री, और ये हो जाएगा आपका फोर, तो पहले दिख गया, हाँ तो इसका कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा आपका एस। समझ में आ गया? अब इसका निकालो, ये हो जाएगा आपका वन, ये हो जाएगा आपका टू, ये हो जाएगा थ्री, ये हो जाएगा फोर, जल्दी बोलो, फोर नीचे जाएगा, थ्री ऊपर जाएगा, टू इधर आएगा, वन यहाँ जाएगा, वन वन इधर आ जाएगा, टू इधर आ गया, थ्री इधर आ गया, तो वन टू थ्री कौन सा है, चेक करो फ्रंट, ये वाला वन टू थ्री, तो ये यही होगा फोर। अब जल्दी बोलो, फोर नीचे जाएगा, टू यहाँ आएगा, वन यहाँ आएगा, थ्री यहाँ आएगा, वन टू थ्री क्या हो गया, ये दोनों क्या होंगे, आइडेंटिकल टू ईच अदर। समझ में आ गया? अब तुम्हें फॉर्म चेंज करना, अब तुम्हें फॉर्म चेंज करना आ गया, इंटर कन्वर्ट करना आ गया फॉर्म, तो सबसे पहले हमेशा इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए आप क्या निकालोगे, न्यूमेन निकालोगे, न्यूमेन से कर लेगा, वो ज़्यादा इजी पड़ेगा, ज़्यादा सहूलियत आएगी बेटा, तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं खपत होगा, लेकिन बाकियों में तुम्हें ज़्यादा टाइम खपत होगा। ऐसे मत करना तुम एग्ज़ाम में कॉपी को ऐसे रख के देख रहे हो, तुम ऐसे रख के मत देखना, आराम से समझ करना, फील करना, ठीक है ना, चलो, नहीं तो बोलेगा कि कुछ प्रॉब्लम है बच्चे में, बच्चा या तो रिजोल्यूशन और मुझे वो पढ़ाना है, क्या बोलते हैं, रिटेंशन और इन्वर्जन और डीएल, डीएल तो तुरंत तुम बता दोगे, डीएल की चिंता नहीं है मुझे, डीएल की चिंता नहीं है, डीएल तुम लोग तुरंत तो बता दोगे, ठीक है ना। तुझे रेसिमिक मिक्सचर समझ में नहीं आया, वो आया था ना बेटा, रेसिमिक मिक्सचर समझ में नहीं आया, वो आया था तुझको, हाँ अब आ जाएगा। अब देखो बेटा, अगर तुम ना कल तुम आने वाले हो क्या, कल तो नहीं आने वाले हो, कल तो कंफर्म है, कल तो लॉकडाउन है, लॉक होके डाउन बैठ जाना, ठीक है, कल तो लॉकडाउन है, तो मैं लेक्चर भेज दूंगा, तुम उसको नोट डाउन कर लेना, नहीं तो अलग से मैं बता दूंगा कभी भी, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि देखो, मुझे थोड़ा सोचो, थोड़ा सोचो समझो, जो बच्चे ए टू जाके बैठते थे मैथ्स और फिजिक्स में, और जो बच्चे ए वन आके यहाँ बैठते थे केमिस्ट्री में, उनका एक भी नहीं हुआ है, क्या नहीं हुआ है, ऑप्टिकल आइसोमर, समझ में आया है। उनको मैं रिवीजन कराऊंगा, ये बात भी तय है, वो लोग रिवीजन करेंगे, ये बात भी तय है, पर उनको रुकना पड़ेगा, ये बात भी तय है। तो उस टाइम तुम लोग रुक के बस देखना सिनेरियो, तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। उनको ऐसे नहीं कि उनको एक एक घंटा रुकाना है, 45-45 मिनट रुका रुका के मैं करवा लूँगा। समझ में आया? समझ में आया?
लेकिन तुम लोग उस टाइम थोड़ा एंजॉय करना, रिलैक्स होना। तुम लोग एक और बार तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा ऑप्टिकल आइसोमर का, क्योंकि बेटा ये चीज़ तुम अब तुम क्वेश्चन करने के बाद तुम्हें पता पड़ गया होगा कि ऑप्टिकल आइसोमर को मुझे टाइम देना ज़रूरी है। तो फिर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड, फिर मैं तुमको रेसमिक मिक्सचर और वो सब बता देता हूँ वापस। फिर मैं डीएल वाला, तो तुम्हें दो सेकंड के अंदर आएगा। क्यों? डीएल वाला तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। पूछो क्यों? बायो मॉलिक्यूल में पढ़ाने वाला पूरा वही, ठीक है? तो हम बायो मॉलिक्यूल भी पढ़ेंगे बेटा, ऐसा नहीं है कि बायो मॉलिक्यूल आपका नहीं है तो हम नहीं पढ़ेंगे। थोड़ा अच्छा वाला बनाते हैं, थोड़ा अच्छा वाला बनाए पक्का। तो एक अच्छा वाला मेरे सामने आया था बेटा कुछ क्वेश्चन, ठीक है? एक अच्छा वाला मेरे सामने आया था क्वेश्चन, तो इसका बना लेते ताकि तुम्हें सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और एक में होमवर्क में दे दूंगा, ये अच्छा नहीं लग रहा तुमको? अब इसमें कितने कैरल सेंटर है? तीन है, ठीक है? तो तुम इसका तो बनाना तुम्हारे लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन तुम्हें दिख रहा होगा। न्यूमैन कैसे बनाओगे? चलो छोड़ो, न्यूमैन की जगह सोहर्स टाइप का कुछ बना सकते हो? न्यूमैन क्या होता है? सोहर्स टाइप का कुछ बना सकते हो? ये बनेगा, ठीक है? कुछ याद आया? तीन है ना? अब देखो थोड़ा सा समझने वाली बात है, तुम लोग थोड़ा सा समझोगे तो अपने आप तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है? अपने आप समझ में आ जाएगा इसका कैसे बनाएंगे। तुम्हें एक और टेक्निक तुमको मैं ना दे देता हूँ, इससे डायरेक्टली बनाना मैं बता देता हूँ, इससे डायरेक्टली मैं बनाना तुमको बताता हूँ, ठीक है ना? इससे डायरेक्टली बनाने का एक ही तरीका बेटा कि ना, ऊपर वाले में हम कैसे मूव करेंगे? ऊपर वाले में हम मूव करेंगे बेटा आपके इस डायरेक्शन में, नीचे वाले में हम इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, ऊपर वाले में हमेशा इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है ना? अब मैं सीधा तुमको बता दूंगा कि अब ये आपको दिखेगा कहाँ। चलो सीधा देख लेते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या है? एक दो दूसरे के अपोजिट या फिर सिमिलर? सिमिलर है कि अपोजिट है? सिमिलर है, तो ये आपके CH3 तुमने बना दिया, ठीक है ना? अब मुझे बताओ कि यहाँ पर जाने पर क्या होगा? यहाँ से यहाँ जाएंगे तो तुम लोगों को कौन सा दिखेगा, R या S? नहीं, यहाँ से यहाँ जाओगे तो तुम्हारे लेफ्ट साइड में कौन आएगा? लेफ्ट साइड में कौन आएगा? H आ जाएगा, हो गया? यहाँ से इसमें यहाँ से यहाँ जाना है, इसमें यहाँ से यहाँ जाओगे तो कहाँ कौन आएगा लेफ्ट साइड में? लेफ्ट साइड में OH आ जाएगा, ठीक है? और यहाँ पर राइट साइड में क्या आ जाएगा? NH2। यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा आपका? H। समझ में आ गया? अब यहाँ से यहाँ मूव करोगे तो क्या होगा बोलो? H आपका कहाँ? राइट साइड में, और I आपका, ठीक है? हो गया क्वेश्चन सॉल्व? समझ में आ गया? नहीं आया? अब मैंने ऐसा उल्टा क्यों किया? इसका कोई मीनिंग होगा? क्या मीनिंग होगा बताओ? इसका मीनिंग ये है बेटा कि जब तुम ना न्यूमैन बनाते तो न्यूमैन में अपोजिट आता कि नहीं आता? न्यूमैन में अपोजिट आता कि नहीं आता? और अपोजिट आने पर मैं उसको घुमाना पड़ता है ना मुझे, तो घुमाना नहीं पड़ेगा, सिंपल डायरेक्टली। ये हो गया। अब एक बार चेक कर लेते हैं हम, इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालो। ये हो जाएगा 1, नहीं ये हो जाएगा 1, 2, 3। क्या हुआ बेटा बोलो? R हुआ। अब देखो OH वाला H वाले का कॉन्फ़िगरेशन निकालो। ये क्या हो जाएगा बेटा आपका? ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका 3, और ये हो जाएगा 4। तो ये यहाँ जाएगा, 2 यहाँ आएगा, ठीक है?
और क्या हो जाएगा बेटा, ये यहाँ जाएगा, यहाँ पर क्या आ गया, एक और बार करते हैं, ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, बोलो, फोर यहाँ जाएगा, टू यहाँ आएगा, टू आ गया, वन यहाँ जाएगा, थ्री यहाँ आ जाएगा, ठीक है, वन टू थ्री, क्या आ रहा है बेटा यहाँ पर, उल्टा आ रहा है क्या, ऐसा आ रहा है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया होगा, एक बार बता देता हूँ, देख लेते हैं, हम इसको दूसरे तरीके से बनाता हूँ मैं इसको, इसको दूसरे तरीके से, ओ एच इस तरफ गए तो ये आपका लेफ्ट साइड, अरे तुम लोगों ने उल्टा कर दिया ना, अरे बेटा ये यहाँ से यहाँ जब तुम मूवमेंट करोगे तो तुम्हारे लेफ्ट हैंड पर कौन सा आएगा, लेफ्ट हैंड पर एच आएगा ना, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड बनाएंगे ना, तुमने कौन से साइड बनाया, और यहाँ से यहाँ जाओगे तो लेफ्ट हैंड पर तुम्हारा ये आएगा, इसको राइट हैंड साइड, अब बोलो जल्दी से बनाओ, अब इसमें जाओगे तो यहाँ से यहाँ जाओगे तो राइट हैंड पर कौन सा आएगा, एच, बीच वाला सही बनाया, अब बनाओ, अब करो, ये वन, सॉरी ये आपका वन, ये आपका टू, सॉरी ये आपका टू, ये आपका थ्री, ये आपका फोर, ये इधर जाएगा, ये यहाँ जाएगा, बात क्लियर है, फोर यहाँ आ गया, टू यहाँ आ गया, वन यहाँ आ गया, वन टू थ्री, कौन सा हो गया, आर आ गया, समझ में आया, अब यहाँ वाले का चेक करो, ये हो जाएगा वन, ये वाला हो जाएगा बेटा एच के, यहाँ पर सी के बाद ओ आएगा, यहाँ पर सी के बाद कौन आएगा, एन आएगा, तो कौन सा होगा, ये वाला होगा टू, ये हो जाएगा आपका थ्री, और ये हो जाएगा आपका फोर, अब घुमाओ, ये यहाँ जाएगा, वन यहाँ आ जाएगा, टू यहाँ, थ्री यहाँ, तो वन टू थ्री क्या हो जाएगा बेटा, एस, तो बीच वाला आपका क्या होना चाहिए बेटा, आपका एस, चेक करो क्या एस है, ये ऊपर वाला यहाँ पर देखो, ये हो जाएगा वन, अब ऊपर वाला हो जाएगा टू, नीचे वाला क्या हो जाएगा थ्री, और ये हो जाएगा फोर, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, बोलो कितना हो गया, फोर यहाँ आ गया, वन यहाँ आ जाएगा, टू यहाँ आ जाएगा, वन टू थ्री, क्या आ गया बेटा ये आपका, अब ऊपर वाला चेक करो, चेक कर लो, मेरे ऊपर विश्वास मत करो, वन टू थ्री फोर, क्या करोगे, वन को फोर से एक्सचेंज करोगे, करो, वन वन टू थ्री आर होगा, अब यहाँ पर भी आर आपका होना चाहिए, ये हो जाएगा वन, या ये हो जाएगा वन, ये हो जाएगा टू, ये हो जाएगा थ्री, ये हो जाएगा फोर, ये नीचे जाएगा, थ्री यहाँ आ गया, टू यहाँ आ जाएगा, वन यहाँ आ जाएगा, वन टू थ्री, क्या आया, अब समझ में आया, और ये बात ध्यान रखना, जब भी ऐसा होगा अपोजिट या सिमिलर जो भी होगा, तुम्हें ऊपर वाले में ऐसे जाना है, ऊपर वाले में कैसे जाना है, डायरेक्शन याद रखना, ऐसे जाना है और नीचे वाले में ऐसे जाना है, हमेशा ऊपर वाले में ऐसे जाओ, नीचे वाले में ऐसे जाओ, आपसे जल्दी बन जाएगा, समझ में आ गया, क्लियर है, अब इसका भी बना के देखो, इसका भी बना के देखो बेटा, दोनों कहाँ है, दोनों कहाँ है, नीचे ही है ना, दोनों कहाँ है बेटा, नीचे ये एच बना दिया, ये आपने सी एल बना दिया, दोनों कहाँ है, नीचे ही है, तो नीचे कौन सी डायरेक्शन में मूव करना पड़ता है, यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से यहाँ मूव करो, तो वो बोलो सी एल कहाँ आएगा, राइट साइड, और बी आर कहाँ आएगा, राइट साइड, ठीक है, और यहाँ पर पहले में सी एल कहाँ, पहले में बी आर कहाँ है, चेक करो नीचे वाला, समझ में आया, दो तरीके, दोनों तरीके याद रखना, अब लिखो आगे, आगे लिखो डीएल, डीएल कॉन्फ़िगरेशन, आगे लिखो डीएल कॉन्फ़िगरेशन, रेसेमिक मिक्सचर कब होगा बताओ,
चलो ठीक है, तुम्हें मैं रेसिमिक का डाउट ख़त्म कर करता हूँ। तुम्हें अगला जो लेक्चर भेजूँगा ना, उसका मैं एक है ना सॉलिड सा 10% तुम्हें मैं हिंट बताता हूँ, तुम्हें अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। एक एक है रिटेंशन, मतलब क्या होता है, R2R, R आपका रिएक्टेंट होगा तो R भी आपका क्या होगा, प्रोडक्ट, मतलब उसने केमिकल रिएक्शन के दौरान अपने जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको रिटेन किया, उसको क्या बोलेंगे रिटेंशन, और उसको क्या बोलेंगे कॉन्फ़िगर, वो एक होगा इन्वर्जन। इन्वर्जन मतलब क्या होगा, बदल जाएगा। मैं तुमको मैं कन्फ्यूज़न हूँ, पहले DL पढ़ाऊँ या फिर रिटेंशन वो इन्वर्जन पढ़ाऊँ। DL तो तुम्हारा बायोमोलिक्यूल में मैं बताई दूंगा, रिटेंशन और इन्वर्जन ज़्यादा काम में आएगा, वो मैं बता देता हूँ। लिख लो रिटेंशन एंड इन्वर्जन, लिख लो अब रिटेंशन एंड इन्वर्जन, रिटेंशन एंड इन्वर्जन। क्या होता है रिटेंशन, रिटेंशन का मतलब, रिटेंशन का मतलब क्या होगा, अपनी पोजीशन को वो रिटेन करना जी। जैसे एज एग्जांपल, अब मैं एग्जांपल लेता हूँ, चार पांच एग्जांपल लूँगा ताकि तुम्हें सीधा सीधा जल्दी जल्दी समझ में आ जाए, ठीक है ना। चार पांच एग्जांपल लूँगा ताकि तुम्हें सीधा जल्दी जल्दी समझ में आ जाए। देखो प्रोडक्ट मैं अभी बना रहा हूँ, बाद में तुम्हें प्रोडक्ट बनाना भी बताऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि अभी रिएक्शन वाला सेगमेंट अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है ना। प्रोडक्ट बनाना भी हम लोग सीख लेंगे बेटा। किस लोग किनको है ना डर लग रहा है मुझे बताओ, किन बच्चों को डर लग रहा है बताओ, डर लग रहा है तुम्हारी पढ़ाई का क्या होगा, किस किस को डर लग रहा है, ईमानदारी से बोला बताओ। लॉकडाउन पहले में तो तुम लोगों ने जोश के साथ पढ़ाई की थी और इतनी पढ़ाई कर ली थी कि हम लोगों को कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई, आज तक नहीं आती हम लोगों को प्रॉब्लम। तुम लोगों ने इतनी पढ़ाई कर ली थी उस टाइम कि हम लोग खुश थे, हम लोगों ने सोचा था कि बच्चे इस बार बहुत अच्छे हैं। तुम लोगों ने इतना ज़्यादा पढ़ लिया था, पता नहीं गलती से पढ़ा था कि या फिर इसने क्या बनाया है। रुको यहाँ पर C2H5 होगा, ये वाला हटा दो, ये H कर दो, यहाँ पर CH3 कर दो, यहाँ पर MgBr। मैंने ही एग्जाम्पल सही बनाया था यार, ये बच्चे भी ना गलत सलत लिख लेते हैं। चलो देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालो, जल्दी निकालो इसका कॉन्फ़िगरेशन, तुम्हें अब जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा। इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालो फटाफट, बच जाएगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालो। सारा खेल किसका है अब तक तुमने क्या किया है, R और S, तो ये 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया। कैसे होगा कॉन्फ़िगरेशन, ऐसा होगा 4 नीचे 3 ऊपर, 1 इधर 2 इधर, क्या हो जाएगा बेटा 1 2 3, कौन सा हो जाएगा S, ये वाला कौन सा हुआ जल्दी बोलो, जल्दी बोलो कौन सा हो जाएगा ये। ये आपका कौन सा है, ऐसे। देखो हुआ क्या, इन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इफ एनी रिएक्टेंट एनी कायरल सेंटर इफ एनी C*, ये कौन सा है C*, है यहाँ पर S कॉन्फ़िगरेशन लाई कर रहा है,
यहाँ पर भी सी स्टार कौन सा कन्फिग्रेशन लाई कर रहा है, एस। ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन इफ सी स्टार रिटेन इट्स कन्फिग्रेशन देन इट इज कॉल्ड वॉट रिटेंशन प्रोडक्ट, देन इट इज कॉल्ड वॉट रिटेंशन प्रोडक्ट। तो लिखो रिटेंशन प्रोडक्ट। यहाँ पर समझ में आ गया, यहाँ पर क्या हुआ बेटा आपका, जल्दी बोलो, रिटेंशन। क्या हुआ यहाँ पर, रिटेंशन, क्योंकि अपने अपने कन्फिग्रेशन को रिटेन कर गया। अगर एस टू आर में चला जाता तो क्या होता, एस टू आर में जाता तो क्या होता, बोलो, इन्वर्जन। हो गया कंप्लीट। अब जल्दी बोलो इसका, वन टू, जल्दी बोलो, थ्री फोर, क्या होगा बेटा इसका कन्फिग्रेशन, बोलो शुरुआत में कौन सा होगा, वन यहाँ आ जाएगा, हाँ हाँ, तो ये क्या हो जाएगा एस, ये वाला बोलो, वन ये हो जाएगा, टू ये हो जाएगा, थ्री ये हो जाएगा, फोर ये हो जाएगा, बोलो कौन सा हो जाएगा बेटा, ये आपका आर हो जाएगा, ये आपका वो आर हो गया। तो इसका मतलब यहाँ क्या हुआ, इन्वर्जन। क्या ये सी स्टार केमिकल रिएक्शन में चेंज हो सकते हैं, इसके आजू बाजू चेंज हो सकते हैं, लेकिन सी स्टार जो होगा वो एस से किस में बदल गया, आर में। जो प्लेन पोलराइज लाइट को माइनस घुमा रहा था वो अब प्लेन पोलराइज लाइट को प्रोडक्ट क्या घुमा रहा है, प्लस। स्पेसिफिक रोटेशन चेंज हुआ ना, ये वाला बताओ, रुको रुको रुको, यहां पर ये आ जाएगा प्रोडक्ट, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या हो जाएगा, या फिर नया प्रोडक्ट बना देता हूँ मैं, यहाँ पर H2O लिख के यहाँ पर OH आ जाएगा, जल्दी बताओ, अब ये आसानी से होगा, जल्दी बोलो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोलो Mg का 24, 1 2 3 4, क्या हो जाएगा यहाँ, बोलो 1 2 3, क्या हो गया बेटा, तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा, रिटेंशन। अब रिटेंशन का फॉर्मूला क्या क्या होगा, बोलो जल्दी से, रिटेंशन का फॉर्मूला नहीं, रिटेंशन आपका क्या होगा, डेफिनेशन बोलो, लिखो डेफिनेशन लिखो, ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन इफ सी स्टार कैन नॉट चेंज इट्स कन्फिग्रेशन मीन्स कन्फिग्रेशन इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज सिमिलर टू कन्फिग्रेशन इन प्रोडक्ट मॉलिक्यूल ऑफ सी स्टार कन्फिग्रेशन इन प्रोडक्ट मॉलिक्यूल ऑफ सी स्टार इज कॉल्ड वॉट रिटेंशन। तो इन्वर्जन क्या होगा, जल्दी बोलो इन्वर्जन क्या होगा, ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन, बोलो, अरे बोलो ना, हाँ, सी स्टार चेंजेस इट्स, हाँ, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं, सी स्टार चेंजेस इट्स स्पेसिफिक रोटेशन, ठीक है, लिख लिया तुम लोगों ने। अब हम बात आते हैं मुद्दे पे बात करते हैं। अब हम लिखो रेसेमाइजेशन, लिखो अब रेसेमाइजेशन, ये भी लिखी लो, रेसेमाइजेशन नहीं, एक पॉइंट डालो, परसेंटेज रिटेंशन लिखो, अगला टॉपिक परसेंटेज रिटेंशन, परसेंटेज इन्वर्जन, परसेंटेज रेसेमाइजेशन, परसेंटेज ऑप्टिकल प्योर, ये सारे एक साथ निकाल लेंगे हम इन एनी केमिकल रिएक्शन। अब रिटेंशन इन्वर्जन का मतलब समझ में आ गया, बस एक दो टॉपिक है, एक क्वेश्चन और है, चलो हो जाएगा क्लियर आपका। देखो अब तुम्हें अच्छे से ही बता दूं ना मैं,
देखो अब जल्दी से फटाफट, रिटेंशन, इन्वर्जन और कौन सा था? हाँ अब देखो तुम्हें एक चीज़ बताओ, ठीक है, अगर किसी कंपाउंड में फिर 60% आपका रिटेंशन प्रोडक्ट बन रहा है, कितना बन रहा है 60%, और 40% इन्वर्जन बन रहा है, तो कैंसिल आउट कितने होंगे? कैंसिल आउट कौन सा होगा? रिटेंशन का 40 कैंसिल आउट होगा? नहीं आया समझ में? नहीं आया। देखो एक आपका केमिकल रिएक्शन है, रिएक्टेंट से आपका प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट वन। एक क्या बन रहा है आपका? प्रोडक्ट टू बन रहा है। ये आपका आपका ये आपका इन्वर्जन है, ये आपका रिटेंशन है, ठीक है? तो समझना यहाँ पर, ठीक है, एक आपका क्या बन रहा है 60%, ये आपका 60% बन रहा है, ये आपका 40% बन रहा है, समझना, ये आपका कितना बन रहा है 60% बन रहा है, और ये आपका कितना बन रहा है 40%। तो मुझे एक चीज़ बताओ कि यहाँ पर रेसेमाइजेशन कितना होगा? रेसेमाइजेशन मतलब कि क्या होगा? जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, रेसेमाइजेशन। रेसेमिक मिक्सचर पढ़ा था तुमने? रेसेमिक मिक्सचर बताया था, रेसेमिक मिक्सचर में ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होता है? ड्यू टू द एक्सटर्नल कंपनसेशन। अब समझना, इसका इसका रोटेशन अगर 40% इस तरफ हुआ तो इन्वर्जन का कैसा होगा? जस्ट उल्टा होगा। देखो ये आपका आर है, तो ये आपका क्या होगा? आर होगा। ये आपका क्या होगा? ये प्लेन पोलराइज लाइट को इस तरफ 40% से, और ये आपका 60% प्रोडक्ट आपके इस तरफ पहुंचाएंगे, तो कितने कितने प्लेन पोलराइज लाइट को सीधा पहुंचाएंगे? इसका 40 मिल जाएगा, तो नेट कैंसिल, मतलब 20% आपके इस तरफ पहुंचाएंगे, वो एस के डायरेक्शन में, और कितने नहीं पहुंचा पाएंगे? 80% नहीं पहुंचा पाएंगे ना, मतलब रेसेमाइजेशन कितने परसेंट होगा? 80%। तो 80% क्या हो जाएगा बेटा? आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव। समझ में आया? अब समझ में आया? नहीं आया, सोचो थोड़ा सा। यह आपका 50% है, यह आपका 50% है। अब बताओ ऑप्टिकली प्योर कितना बनेगा? हाँ ऑप्टिकली प्योर बनेगा ही नहीं ना। ऑप्टिकली प्योर मतलब जो जो आपका ऑप्टिकली एक्टिविटी दिखाएगा। तो अगर ये 50 है, अगर ये 50 है, तो रेसेमाइजेशन कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा ना रेसेमाइजेशन। 100% एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो क्या हो गया? तो मतलब कोई भी आपका प्लेन पोलराइज लाइट को घुमा पाएगा? नहीं घुमा पाएगा। अगर ये मान लो 70 है, ये आपका 30 है, अब बताओ ये आपका 30 है, ये आपका 70 है, इन द गैस ऑफ ये आपका 70% है, ये आपका 30% है, अब बोलो जल्दी से, ये 30% एस में घुमा रहा है, ऐसा मान लो ये 30% इधर ले जा रहा है, 70% प्रोडक्ट आपको इधर ले जा रहा है, तो कितने परसेंट प्रोडक्ट आपके बीच में ले जाएगा? कितने परसेंट प्रोडक्ट आपके कैंसिल आउट होंगे? इस साइड वाला 30, इस साइड वाले 30 को ही कैंसिल करेगा, तो इस साइड कितना बच जाएगा? 40, और कितना परसेंट बीच में ये जाएगा? हो गया, समझ में आ गया? ये आप केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ने वाले हो, तो इसीलिए मैंने अभी पढ़ा दिया, नहीं तो सर फिर बोलते क्या पढ़ा है तुम लोगों ने, फिर तुम लोग बोलते सर ने नहीं पढ़ाया, बाकी सब ने पढ़ाया। जल्दी जल्दी लिखो, अब तुम्हें आ गया? अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा, आपको समझ में आ गया ना बेटा? अब मैं इसको हटा देता हूँ, अब मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। देखो यहाँ पर रिटेंशन, इन्वर्जन, रेसेमाइजेशन और ऑप्टिकली प्योरिटी। यहाँ पर परसेंटेज है, ये आपका 60% है, ये दिया हुआ है, ये आपका 40% आपको दिया हुआ है इसमें। पहला क्वेश्चन, ये आपको 40% दिया गया है, ठीक है, ये आपको 40% दिया गया है। दूसरे क्वेश्चन में
तीसरे क्वेश्चन में ये आपको 70% दिया गया है, फोर्थ क्वेश्चन में ये आपको 0% दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर आपको बोल दिया है रिटेंशन है। आप समझ में आ गया? अब देखो इधर सुनो, अब तुम्हें इंडेक्स भरने इंडेक्स भरने तुमको। अब ऐसा भी क्वेश्चन आपको जेई वाला पूछ सकता है, उसको इंडेक्स भरवाने में क्या दिक्कत है, वो इंडेक्स भी भरवा सकता है ए बी सी डी ऑप्शन डाल के, A1, A2, A3, A4 डाल देगा, 5-6 ऑप्शन बन जाएंगे। अब जल्दी बताओ, यहाँ पर जल्दी बताओ आप जल्दी से, यहाँ पर 60-40 रेसेमाइजेशन कितना होगा, रेसेमाइजेशन कितना होगा, 80 हो जाएगा। और ऑप्टिकली प्योर, ऑप्टिकली प्योर का मतलब जो ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाएंगे 20। अब बताओ रेसेमाइजेशन कितना हुआ, 40, ठीक है। रेसेमाइजेशन आपका कितना हुआ, 40। यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर आपका दिया रहेगा, यहाँ पर जैसे दिया है ना वैसे यहाँ पर भी दिया रहेगा, इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा। कौन सा बनेगा, इन्वर्जन बनेगा, जो भी आपका ऑप्टिकली प्योर होगा वो क्या बनेगा, इन्वर्जन। तो ये आपका 40 है, तो 100% इसका 20% और इसका 20% मिलके आपका क्या बना होगा, 40 बना होगा, तभी आपका 40 बनेगा। लेकिन कौन सा प्योर आ रहा है, इन्वर्जन वाला आ रहा है, तो इन्वर्जन वाला कितना ज़्यादा होगा, यहाँ पर 60% होगा, तभी आपका 60% इन्वर्जन होगा ना प्रोडक्ट। अगर मान लो ये 80 हुआ, ये 20 हुआ, तभी आपका 40% रेसेमाइजेशन होगा और 60% इन्वर्जन ही प्रोडक्ट बनेगा ना, यहाँ पर इन्वर्जन है ना, तो कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, इन्वर्जन, इसीलिए दिया था ये क्वेश्चन। अब देखो ये 70% है, अब बताओ क्या होगा, 70% आपका रेसेमाइजेशन हुआ तो ऑप्टिकली प्योर कितना होगा, 30%। ऑप्टिकली प्योर कितना होगा, 30%। यहाँ मैंने साइड में लिख के दे देता हूँ, इसको मैं देता हूँ आपका रिटेंशन। जल्दी बोलो आप, जल्दी बताओ, 30% तो आपका ऑप्टिकली प्योर बना। अब वो रेसेमाइजेशन से क्या समझ में आ रहा है, 35% ये था और 35% ये था, लेकिन ज़्यादा कौन था, ये वाला प्लस 30 था, तो कितना हो गया बेटा, ये कितना होगा, 65%। अब दोनों को करो, आ गया, दोनों को ऐड करोगे तो 100% आएगा ना। अब ये वाला बताओ, ये जीरो है तो 100% क्या बना होगा, ऑप्टिकली प्योर। अब इसका मतलब क्या बना होगा, रिटेंशन आपका क्या बना होगा, 100%, और इन्वर्जन आपका क्या बना होगा, लिख लो, हो गया क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्वेश्चन डाल के लिख लेना, पहला ही इसको क्वेश्चन डाल के लिख लेना, फाइंड द परसेंटेज रिटेंशन, परसेंटेज इन्वर्जन, परसेंटेज रेसेमाइजेशन और परसेंटेज ऑप्टिकल प्योर प्रोडक्ट, ठीक है।